कल्याणभागिस्सविसोहिथानम् जिने गुरु सयम् अनुशासयन्ति तेहं गुरु सयम् पूजयामि तेहं गुरु सयम् पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, आज का टॉपिक है सेवन वंडर्स ऑफ लाइफ। दुनिया में मैन मेड सेवन वंडर्स है जिसे देखने के लिए लोग जाते हैं। चीन की दीवार, ताजमहल, पेट्रा, क्राइस्ट रिडीमर, माचू पिक्चू, कोलिजियम, सिटेन इट्जा। नेचुरल वंडर्स भी काफी हैं। किसी यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न पूछे थे। एक प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा था, आए दिन व्यक्ति दूसरे को यमलोक जाता हुआ देख रहा है, पर भीतर से निश्चिंत है, मैं तो अमर हूँ, इससे बड़ा दुनिया का कोई आश्चर्य नहीं। तो ये भी एक आश्चर्य है। किसी बच्चे ने कहा था, एक काली भैंस सफेद सफेद दूध देती है, ये भी एक आश्चर्य है। किसी परीक्षा में बच्चों को सात आश्चर्य के बारे में पूछा गया था। एक बच्ची ने जो लिखा था वह इस प्रकार है, टू सी, टू हियर, टू टच, टू फील, टू लव, टू लाफ, टू स्माइल। ये सात तो उसने लिखे थे और साथ में ये भी लिखा था, दुनिया आश्चर्यों से भरा हुआ है, क्या क्या लिखूं? जैन दर्शन में 10 आश्चर्यों का आता है उल्लेख। हम भी आज लाइफ के 7 वंडर्स की चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप ऐसे व्यक्ति से मिलना पसंद करेंगे जो आपको मानसिक शांति दे, प्रेम दे, प्रेरणा दे, मार्गदर्शन दे, सुख संपत्ति दे, सुरक्षा दे, समाज में प्रतिष्ठा दे, स्वतंत्रता भी प्राप्त करवाए और तंदुरुस्ती भी दे? मुझे विश्वास है आप सब ऐसे व्यक्ति से मिलना पसंद करेंगे। हम आज आपकी उस व्यक्ति से पहचान करवाएंगे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं वह कौन है? हो सकता है आपका अनुमान बिल्कुल सही हो। वह व्यक्ति आप स्वयं है। शायद आपको आश्चर्य लग रहा हो। यदि आश्चर्य लग रहा है तो यह हकीकत है, आप अपने आप को संपूर्ण रूप से पहचानते नहीं हैं। हम सबके भीतर 7 वंडर्स हैं, उसे जानना है, देखना है और पावरफुल बनाना है। आप जीवित हैं, जी रहे हैं, क्या यह आश्चर्य नहीं है? प्राण खुद में एक आश्चर्य है। जहां जहां प्राण है वहां वहां कुछ अमेजिंग शक्तियां जुड़ी हुई है जो अपने आप में वंडर्स हैं। तो वो कौन सी वंडर्स शक्तियां हैं? आज हम ध्यान देते हैं जीवन की 6 शक्तियां, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति और साथ में जो बात कर रहे हैं हम, प्राण। तो जीव जीता है, अनेक तंत्र वहां काम कर रहे हैं। जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है आहार। तो पहला जो वंडर्स की बात हम कर रहे हैं वो है आहार। आहार का अर्थ है बाहर से लेना। अनाहार होना शरीर के लिए संभव नहीं है। आहार
हम शरीर के प्रत्येक कण से लेते हैं। जीवन का प्रारंभ होता है आहार से। प्रारंभ में जो लेते हैं उसे ओज आहार कहते हैं। और कहा जाता है जब तक ये ओज आहार रहता है तब तक आदमी जिंदा रहता है। दूसरा रोम आहार, जो रोम कोप से शरीर में 3.5 करोड़ रोम कोप होते हैं और 3.5 करोड़ रोम कोप से प्रतिक्षण आहार लेते हैं। तीसरा है कवल आहार, जो हम कौर से खाते हैं। और आहार ये अनिवार्य चीज है। आहार और विचारों का संबंध होता है। आहार और बीमारी का आपस में संबंध है। आहार और बुढ़ापे का आपस में संबंध है। आहार और व्यवहार का आपस में संबंध है। तो प्रश्न होता है आहार कैसा हो, जहां सारा हमारा लाइफ ही आहार पर डिपेंड है। 3 शब्द पर ध्यान दें। पहला है मित भोजन, मिताहार। मिताहार परिमित आहार, ठूस ठूस कर न खाएं, मात्रा का क्वांटिटी का ध्यान रखें। मितम भुंगते तो बहु भुंगते, कितनी बड़ी बात कह दी। जो उचित मात्रा में खाता है वह बहुत खाता है, बहुत भोजन करता है और वह व्यक्ति दीर्घजीवी भी होता है। व्यक्ति का पेट कैसा है, बैलून की तरह है, जितना बढ़ाओ बढ़ जाएगा और जितना घटाओ घट जाएगा। 3 चीज नींद भूख और काम कहते हैं, बढ़ाओ तो बढ़ेगा और घटाओ तो घट जाएगा। तो पेट के स्पेस को 4 भागों में या 5 भागों में व्यक्ति को डिवाइड करना चाहिए। 2 भाग भोजन, 1 भाग पानी, 1 भाग हवा और 1 भाग हंसी हंसना। भोजन करते करते यदि एक भी डकार आ गया, मींस वह इंडिकेशन है किस चीज का, लिमिटेशन कंप्लीट। बस आपका भोजन का जो लिमिटेशन है वो कंप्लीट हो गया। तो 99% स्वास्थ्य किसी चीज पर डिपेंड है, वो है व्यक्ति का आहार या भोजन। तो पहला हुआ मिताहार, ठूस ठूस कर न खाएं। दूसरा है हमारा हितकर भोजन, हिताहार। स्वाद या जीव के लिए न खाएं, हेल्थ के अनुकूल भोजन हो। 2 इंच जीव के लिए ये 5 फुट शरीर को क्यों तकलीफ दें? स्वाद कहाँ रहता है, कब तक रहता है? जब तक जीव पर है। तो बेचारे पूरे 5 फुट शरीर को जीव के लिए तकलीफ क्यों दें? तो मौसम के अनुसार या काल के अनुसार व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। सर्दी में गर्म चीज खाना ये व्यवहारिक बात है, ठीक है। गर्मी में गर्म चीज खाना ये उचित नहीं है स्वास्थ्य के लिए। जैसे अब गर्म गर्म चाय पीना और बेचारे डाइजेशन सिस्टम की यदि वाणी होती तो अवश्य विरोध करती। इतना गर्म होता है कि उस कप को हाथ भी नहीं लगा सकते। वहां पर बेचारे जीव को या डाइजेशन सिस्टम को कितना सहन करना पड़ता है। ठंडी चीज लें, शरीर के तापमान से कम ठंडी चीज खाना भी ठीक नहीं है। जैसे एक बच्चा आइसक्रीम खाता है, सीख लेता है आइसक्रीम खाना, गला खराब हो जाता है, आंतें बिगड़ जाती हैं। पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा बीमार रहने लगा, कमजोर रहने लगा, टॉन्सिल बढ़ गया है, गला बहुत खराब हो गया है, पेट खराब हो गया है। आंत और दांत दोनों ठंडी चीज से बहुत जल्दी खराब होते हैं। तो बात अपन कर रहे हैं हित आहार की। व्यक्ति को प्रकृति के विरुद्ध भी भोजन नहीं करना चाहिए। प्रकृति, आपकी शरीर की प्रकृति क्या है? 3 प्रकार की प्रकृतियां,
वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान। किसी के वायु प्रधान शरीर होता है, किसी के पित्त प्रधान शरीर होता है, किसी के कफ प्रधान शरीर होता है। आपकी प्रकृति क्या है उसको ध्यान देना चाहिए। गुण विरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। गुण विरुद्ध भोजन, अब जैसे शीतल प्रकृति का कोई पदार्थ है तो गुण विरुद्ध गर्म प्रकृति का पदार्थ को उसके साथ मिलाकर खाना, ये गुण विरुद्ध भोजन हो जाता है। संयोग विरुद्ध भोजन, दूध और खट्टे फल खाना, जिनका आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है उनको कॉम्बिनेशन बना करके खाना। लोग दही बड़ा खाते हैं, अब दही बड़ा और वो भी उड़द के दाल के बड़े, दही और उड़द का दाल आपस में बिल्कुल एंटी है, विरोधी है। तो संयोग विरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए, संस्कार विरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी है जिसको गर्म करके खाना हानिकारक होता है। लोग दही खाते हैं, जुकाम हो जाता है, सर्दी रहती है और सर्दी के समय या तो उसको गर्म कर देंगे और या फिर धूप में रख करके खाएंगे। ये क्या है, संस्कार विरुद्ध, या भोजन को कम पकाना, अधिक पकाना या जला देना, ये सारा संस्कार विरुद्ध हो जाता है। क्षेत्र विरुद्ध, जो वस्तु जिस देश में सुपाच्य होता है उसी को खाना चाहिए, हटकर के खाना ये क्षेत्र विरुद्ध भोजन हो जाता है। काल विरुद्ध भोजन, काल विरुद्ध, शीत काल में शीतल चीज खाना, गर्मी में गर्म चीज खाना। थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है, बादल बादल सा होता है, लोग खाते हैं पकोड़े कचौड़ी ये सब चीजें। कहते हैं कि सूर्य का नहीं होना या बादल होना डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है, उस समय गरिष्ठ भोजन खाना ये काल विरुद्ध है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपनी प्रकृति को देखना चाहिए, मेरी प्रकृति क्या है, कौन सा चीज सूट करेगा और कौन सा चीज सूट नहीं करेगा। किसी के लिए दूध अनुकूल है तो किसी के लिए दही अनुकूल होता है, और किसी के लिए तेल है तो किसी के लिए घी अनुकूल होता है। अपनी प्रकृति, मेरा मेरी प्रकृति क्या है। गरिष्ठ भोजन खाते हैं जो, गरिष्ठ भोजन जितना हो सके गरिष्ठ भोजन का उपयोग कम करें। खाना भी है, अनुपात का ध्यान रखें, मात्रा का ध्यान रखें। बादाम का हलवा है, अब बादाम का हलवा लोग सोचते हैं रोज तो खाते नहीं है, चलो सहज मिल रहा है, कितना खाना, 5 या 7 बादाम से अधिक व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। वहां यदि कोई कटोरी भर करके खा लेता है बेचारा, डाइजेशन सिस्टम का क्या होगा। तो मात्रा का ध्यान रखना, गरिष्ठ भोजन कितना खाना, अपनी पाचन शक्ति कैसी है उसका ध्यान रहे तो भोजन हित भी है और मित भी है, तो भी पूरी बात बनती नहीं है। तीसरा, रित भी होना जरूरी है। रित भोजन का संबंध जुड़ता है सूक्ष्म भावनाओं के साथ। भोजन को कमाना, पैदा करना और बनाते समय किस प्रकार की विचारधारा काम कर रही है, सबका प्रभाव भोजन पर पड़ता है। क्रूरता के साथ अर्जन किया हुआ है और साथ में बनाया गया खाने वाला, यदि बनाने वाला भी क्रूरता के भावों के साथ बनाया है तो खाने वाला कितना ही अच्छे भाव से खा रहा है तो भी कोमल से कोमल व्यक्ति भी क्रूर बन जाएगा। आप सिर्फ भोजन नहीं कर रहे हैं, सामने वाले के विचारों को भी खा रहे हैं। इसलिए कहा गया है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। हमारा मन और चेतना दोनों बहुत संवेदनशील है, सूक्ष्म भावनाओं को भी इतना जल्दी ये लोग पकड़ते हैं। तो आज जितनी भी बीमारियां हैं, गैस्ट्रिक है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन है, जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस है, और भी हार्ट रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, ये सारे की सारे या समय से पहले बुढ़ापा, सबकी सब ये भोजन के फ्री गिफ्ट हैं।
भाई आप भोजन कैसा कर रहे हैं उसी का ही ये उपहार है। फास्ट फूड, तली हुई चीज खाना, पैकेट बंद चीज खाना, मैदा, मावा, चीनी की अधिक मात्रा, नमक, ये सब की सब समय से पहले बुढ़ापा और बीमारी, इन दोनों को निमंत्रण देना है। अधिक मात्रा में ना खाएं, बार बार ना खाएं, गरिष्ठ भोजन ना खाएं, रात को ना खाएं, ये रात वाली बात भी ध्यान देने की बात है। सूर्यास्त के बाद व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। उस सूर्यास्त के बाद हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन शक्ति, उसका कनेक्शन सूर्य के साथ है, तो सूर्यास्त के बाद डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है। तो रात को न खाएं और सूर्योदय के बाद न खाएं। सूर्योदय के बाद भी 3 घंटा तक व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। पानी भी एक प्रकार का भोजन है, तो पानी भी न अधिक पीना चाहिए व्यक्ति को और न कम पीना चाहिए। पानी को भी कितनी मात्रा में पिए, कब पिए, कितना पिए, ये भी ध्यान देना है। वैसे पानी को बार बार भले पिया जा सकता है, भोजन को बार बार ना करें, 3 बार से अधिक यथासंभव नहीं होना चाहिए। और पानी को आप बार बार पी सकते हैं, लेकिन पिए कैसे, थोड़ा थोड़ा पिए, एक साथ ऊपर से गट गट करके पीना ये अच्छा नहीं है। पानी को यदि ऊपर से पिया जाता है, खड़े खड़े पिया जाता है, कहते घुटने दर्द का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, तो पानी को पिए कैसे, चबा चबा के पिए। कहा जाता है भोजन को पानी की तरह पीना चाहिए और पानी को भोजन की तरह चबाना चाहिए, यानी भोजन को इतना चबाएं कि वो पानी की तरह लिक्विड बन जाए और पानी को इतना चबाएं जैसे भोजन चबा रहे हैं। तो सिप सिप करके पानी को यदि पिया जाता है तो ये भी स्वास्थ्य के लिए एक वरदान बन जाता है। आजकल लोग वेट पर बहुत ध्यान देते हैं, बहुत कॉन्शियस हैं। कहते हैं एक बार कोई व्यक्ति जिसका 140 केजी वजन था, एक वर्ष में 40 केजी पर आ गया, 100 केजी उसका कम हो गया। कैसे हुआ? वो कहता है सिर्फ मैंने पूरे वर्ष पानी सिप सिप करके पिया, थोड़ा थोड़ा, चाय की तरह, जैसे चाय को सिप सिप करके पीते हैं वैसे ही मैंने पानी पिया, वजन भी कम हो गया, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो पहला हुआ हमारा ये आहार। हमारा दूसरा वंडर है शरीर। तो पहले व्यक्ति करता क्या है, पावर हाउस बनता है, फिर तार खींचे जाते हैं, फिर बिजली उन तारों में प्रवाहित होती है, फिर बल्ब में प्रकट होती है। हमारा शरीर भी बल्ब के समान है। तो यह ध्यान देना है, प्रकट होने वाली शक्तियों को झेल पाने में शरीर समर्थ है या नहीं है। हमारे शरीर के जितने भी शक्ति केंद्र हैं, यदि वो शक्तिशाली बन जाते हैं तभी उसमें किसी विशेष शक्ति का अवतरण हो सकता है। शरीर जितना उपयोगी है और महत्वपूर्ण है, उतना दूसरा कोई चीज नहीं है, केवल ज्ञानी कोई बना है, इसी शरीर से ही बना है। शरीर दुर्बल है, स्नायु संस्थान दुर्बल है, तो मान के चलें, कैवल्य तो यदि केवल ज्ञान किसी को हो भी गया तो क्या होगा, शरीर बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा। छोटी सी बात, मस्तिष्क का एक चक्र है सहस्रार चक्र, चोटी के स्थान पर, और वह शक्ति का केंद्र है। कोई दुर्बल व्यक्ति उस पर ध्यान करता है और मान ले कि वो चक्र सक्रिय हो जाता है, उसकी सक्रियता इतनी गर्मी पैदा करती है, ताप और ऊर्जा पैदा करती है, और वह गर्मी इतनी तीव्र होती है कि दुर्बल शरीर वाला पागल हो जाएगा। सहस्रार चक्र पर यदि ध्यान करना है, ध्यान करें, उससे पहले
आज्ञा चक्र को साधना होगा हमारा ये दर्शन केंद्र, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, आज्ञा चक्र को साधना होगा तो उस पर ध्यान करना होगा। तो शक्तियों के विकास का एक क्रम है, हम शक्ति विकास की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या सीखी, बैठना सीखी। रीढ़ की हड्डी, हमारा ये जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी और गर्दन बिल्कुल सीधी रही। व्यक्ति या तो आगे झुक के बैठता है या पीछे झुक के बैठता है, तो प्राण धारा का सबसे अधिक प्रवाह पृष्ठ रज्जु में है। तो ये उसके लिए आवश्यक है कि सीधा बैठना, और सीधा नहीं बैठ रहे हैं तो वो प्राण का, यदि रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है तो प्राण का जो प्रवाह है उसमें अवरोध पैदा होता है। और वैसे देखा जाए स्वास्थ्य का भी मूल आधार है हमारा रीढ़ की हड्डी या सुषुम्ना। यदि ये स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, ये स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ नहीं है। बहुत बार देखा जाता है लोग ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं, घुटने का प्रॉब्लम है घुटने में, और डॉक्टर इलाज करता है स्पाइन का। भाई घुटने में दर्द क्यों है? क्योंकि आपके स्पाइन में प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज स्पाइन के साथ है। तो स्पाइन, रीढ़ की हड्डी हमारी कैसी रहनी चाहिए? हमेशा सीधी रहनी चाहिए। शरीर को साधने का एक उपाय है आसन, एक्सरसाइज। भगवान महावीर बहुत सारे आसनों का प्रयोग करते थे, कहते हैं 84 आसनों का प्रयोग करते थे। सभी को लगभग पता होगा भगवान को केवल ज्ञान हुआ किस आसन में हुआ। भगवान उकड़ू आसन में पूरी पूरी रात बैठ जाते थे, पूरे पूरे दिन बैठते थे। उकड़ू आसन, पंजे के बल पे एड़ी को ऊपर उठा करके बैठना, कितनी बड़ी बात, शायद लोग 2 मिनट 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते। वहां भगवान 24 घंटा उसी आसन पे बैठ जाते थे। बाहुबली को ले, बाहुबली 12 महीने तक काय उत्सर्ग में खड़े रहे। एक प्रश्न होता है क्या ये संभव है? और कैसी स्थिरता, पक्षियों ने शरीर पे घोंसला बना लिया, चींटियों ने बांबी बना लिया, हिले तक नहीं। यानी जिसने शरीर को साध लिया वह कुछ भी कर सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। तो पहली बात भी आसन, आसन को साधने का अर्थ है हमारे शरीर में जितने भी शक्ति केंद्र हैं उन केंद्रों को जगाना। लगभग 150 हमारे शरीर में केंद्र हैं। तो शरीर को साधने का दूसरा साधन बनता है श्वास। श्वास को साधने के लिए अनेक प्रयोग करते हैं, संवृत्ति श्वास प्रेक्षा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, सहज श्वास प्रेक्षा, प्राणायाम के विभिन्न सारे जो प्रयोग हैं, ये सारे शक्ति केंद्रों को ढालने की एक प्रक्रिया है। तो हमारा चाहे स्नायु संस्थान है, नाड़ी संस्थान है, ये सारे के सारे शक्तिशाली हो। और तीसरी बात, जहां हम शरीर की बात कर रहे हैं, चक्रों का विकास, चक्र। तो आयुर्वेद में 7 चक्र माने गए हैं। अब एक लेते हैं जैसे थायराइड। ये थायराइड एक ग्रंथि है, उसका स्राव ठीक नहीं है तो व्यक्ति में निराशा, हीन भावना आदि सब आ जाती है। शरीर का बढ़ना, नाटा होना, सारा इसी ग्रंथि का प्रभाव है। लोग सोचते हैं बच्चों का हाइट बढ़ नहीं रहा है, दवाया देंगे। अरे मूल चीज को पकड़ा जाए कि आखिर बढ़ क्यों नहीं रहा है, या कोई बढ़ता है तो इतना लंबा हो जाएगा। ये सारा प्रभाव कहाँ का है? ये थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन कैसा है? तो हमारी भावनाओं के साथ शरीर का संबंध है, प्रसन्नता के साथ शरीर का संबंध है, शक्ति के विकास के साथ शरीर का संबंध है। तो शक्ति के व्यय को रोकें, खर्च को रोकें। रोकें कैसे? कायोत्सर्ग शिथिलता का एक प्रयोग है।
मूलबंध का प्रयोग, मूलबंध का प्रयोग लगभग 10-20 मिनट गुदा का संकुचन करना। तो ये जो स्थान है, गुदा का स्थान है, ये प्राण शक्ति उत्पन्न करता है। तो इस स्थान का कितना संकोचन कर सके। और पहला हुआ कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग वैसे ध्यान का प्रारंभ बिंदु है, कायोत्सर्ग अंतिम बिंदु भी है। कायोत्सर्ग निद्रा के जो 12 भेद माने गए हैं, निद्रा के 12 भेद में अंतिम है कायोत्सर्ग। 12वां भेद है कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग 12वां भेद है। वैसे भगवान कोई भी बात कहते थे एक सीक्वेंस के साथ कहते थे, सीक्वेंस। अब जैसे निर्जरा की बात ही कर रहे हैं, अनशन में जितनी निर्जरा है उनोदरी में उससे अधिक है, उससे अधिक है भिक्षाचरी में। तो कायोत्सर्ग निर्जरा का उत्कृष्ट साधन है। तो ध्यान का पहला चरण भी कायोत्सर्ग है, तो अंतिम चरण भी कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग जहाँ निर्जरा का सघन साधन है, वहां शरीर को साधने का, ऊर्जा जो व्यय हो रहा है उसको कम करने का भी कायोत्सर्ग साधन है। तो कायोत्सर्ग और मूलबंध, तो मूलबंध के लिए भी कहते हैं तुरंत नई शक्ति नई ताजगी का अनुभव करेंगे। और बहुत ज्यादा थकान दिखने शादी रहता है तो भी मूलबंध का प्रयोग बहुत पावरफुल है। सूर्य से भी व्यक्ति प्राण शक्ति जीवनी शक्ति को खींच सकता है। प्रातःकाल सूर्य के सामने खड़े होकर संकल्प करें प्राण शक्ति का संचय हो रहा है, मस्तिष्क के मार्ग से प्राण शक्ति का अवतरण हो रहा है। 10-20 मिनट तक संकल्प करें, अनुभव होगा नई शक्ति का संचार हो रहा है, स्फूर्ति का संचार हो रहा है। और सूर्य से व्यक्ति जितना भोजन, सिर्फ विटामिन डी नहीं, आपके भोजन की भी यदि कोई आधा घंटा एक घंटा सूर्योदय के बाद का जो सूर्य है उसकी ये सामने यदि ध्यान करते हैं तो खाने की भी आपको जरूरत नहीं। सारी जो फूड से आप जो भी विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, वो सारा सूर्य से भी आप पूरा कर सकते हैं। तो सूर्य से भी व्यक्ति आहार ग्रहण कर सकता है। लाइफ का तीसरा वंडर्स है इंद्रियां। आयुर्वेद में 3 प्रकार के बल माने गए हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। किस व्यक्ति में किस कोटि का बल है इसका सारा माप इंद्रियों की शक्ति के आधार पर निर्भर है। एक वैद्य नाड़ी देखता है, नख देखता है, आंख देखता है, उसको एक्सरा करने की जरूरत नहीं, एमआरआई सीटी स्कैन की आवश्यकता नहीं। ऐसे ऐसे हमने डॉक्टर्स को देखे हैं, सिर्फ आंख देख करके पूरे कैंसर तक की बीमारी बता देगा। 1 महीना पहले आप क्या खाए थे कोई अवधि ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं, उन्होंने अपने इंद्रियों को इतना विकसित कर लिया है कि वो सामने वाले के इंद्रियों के आधार पर पूरा बीमारी का इलाज कर देते हैं। कान के आधार पर भी अनेक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। एक प्रकार से कान सारे शरीर को चलाने वाला है, विचार और बुद्धि को नियंत्रण करने वाला है। अध्यापक या गुरु शिष्यों के कान खींचते थे। कान संवेगों का नियंत्रण करने वाला है, वासना और वृत्तियों को नियंत्रण करने वाला है। कान पर ध्यान, भयंकर से भयंकर कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, एक झटके के साथ नशा छोड़ देता है। ऐसे हमने लोगों को देखा है, हजारों लोगों ने छोड़ा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास लोग आते थे और जब अपनी समस्या रखते थे, एक बार सर्दी का समय था और ठिठुरन की सर्दी एकदम, हमारे पास एक भाई आए पसीने से तर बतर, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पानी ऊपर से नीचे तक डाल दिया हो, पूरे कपड़े भीगे हुए और मौसम कैसा है, बिल्कुल भूजने जैसी सर्दी। पूछ लिया मैंने क्या हुआ,
अपनी बात बताई कि महाप्रीति जी मुझे भी प्रयोग करवाए। और उनको जो भी पानपराग आदि खाने की आदत थी, बोले समृति अब तो ऐसा लग रहा है शायद मैं लाइफ में कभी नहीं खाऊंगा। सिर्फ एक प्रयोग, मैंने पूछा क्या प्रयोग करवाए, कान पर ध्यान करवाए, तो कान भयंकर नशा भी वापस उस भाई ने कभी नशा का सेवन नहीं किया। चाहे किसी की ड्रिंक्स की आदत है, किसी की और कोई नशे की आदत है, तो झटके के साथ छोड़ देता है। तो सारा जीवन इंद्रियों की शक्ति के आधार पर मापा जाता है। इंद्रियों की शक्ति का क्षीण होने का अर्थ है शरीर की शक्ति का क्षीण होना। भगवान ने भी कहा है, जाविंद्रियान हायंती ताव धम्मम समायरे। जब तक इंद्रियों की शक्ति कम नहीं हो जाती तब तक धर्म करो। इंद्रियों के बिना धर्म भी नहीं हो सकता। कहते हैं हमारे सारे जो फाइव सेंसेस हैं, फाइव सेंसेस को यदि व्यक्ति 100% एक्टिवेट करते हैं तो सारी की सारी इंद्रियां व्यक्ति को हायर माइंड से कनेक्ट कर सकते हैं। भगवान भी कह रहे हैं जिसमें इंद्रिय पटुता होती है वह व्यक्ति बहुत ज्ञानी बन जाता है। एक लब्धि है संभिन्न स्रोतोपलब्धि, देखिए नाम है संभिन्न स्रोतोपलब्धि। और संभिन्न स्रोतोपलब्धि है क्या चीज, इंद्रिय पाठों का ही एक विकास है। जिसने इंद्र का इतना विकास कर लिया वह हजार कोस दूर की चीज देख लेता है और इतनी ही दूरी की आवाज भी सुन लेता है, पूरे शरीर से कहीं से भी देख सकता है, कहीं से भी सुन सकता है। शरीर के लिए भी इंद्रिय ज्योति की बहुत जरूरत है। जो अच्छे शब्द सुनते नहीं सुनता, जो भी ये पांचों इंद्रियों से यदि अनुकूल नहीं सुनता है, नहीं देखता है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता। अच्छे रंगों को और रूपों को नहीं देखता, उसका मन प्रसन्न नहीं होता, उसकी बुद्धि भी विकसित नहीं होती। जिसकी बुद्धि विकसित नहीं होती उसकी इंद्रियां भी ठीक से काम नहीं करती। जा मनुष्य की बात छोड़ दे, पशु पक्षी वनस्पति में भी ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलता है जिसको मिरेकल कहा जा सकता है। लगता है मिरेकल जैसा, चमत्कार जैसा। जितनी इंद्रियों की अनुकूलताएं हैं उतना ही वृक्ष भी बोलते पल्लवित तो होते हैं, पुष्पित तो होते हैं। उनके अनुकूल यदि किया जाता है तो जानवर भी अधिक दूध देते हैं, बहुत सारी अनुकूलताएं होती है। तो ये स्पष्ट है, इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गंध, इष्ट रस, इष्ट स्पर्श, ये सारे जब प्राप्त होते हैं तो शरीर प्रसन्न, इंद्रिय प्रसन्न, मन प्रसन्न और जीवन भी प्रसन्न उत्फुल्ल हो जाता है। और जहां जहां प्रतिकूलताएं आती हैं, मान के चलें चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, यदि बहुत ज्यादा जिनके परिवार में भी प्रतिकूलताएं हैं तो प्रतिकूलताओं में व्यक्ति निकम्मा बन जाता है, वो विकास नहीं कर सकता, कुछ लाइफ में नया नहीं कर सकता। तीन शब्द है अति योग, अयोग, योग। देखिए अति योग और अयोग दोनों से बचें, योग की साधना करें। अति योग पांचों इंद्रियों का बहुत ज्यादा, पांचों इंद्रियों को बहुत ज्यादा काम में लेना, इससे होता क्या है, हमारी सारी शक्ति एनर्जी सारी व्यय हो रही है। प्राकृतिक जितने भी आपदाएं आती है, चाहे भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटती है, ये प्राकृतिक आपदाएं आने से पहले पशु पक्षियों को पता चल जाता है कि प्राकृतिक आपदाएं आने वाली है। देखिए आने से पहले पता चल रहा है, और मनुष्य ऐसा है आने के बाद भी पता नहीं चलता। अखबार में देखेगा, टीवी में न्यूज सुनेगा, तब बोलेगा अरे भूकंप आया और मुझे तो पता भी नहीं चला। तो प्राकृतिक आपदाओं में पशु पक्षियों को पता चल जाता है, क्यों चलता है,
उनको कोई अवधि ज्ञान नहीं है, कोई केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन वो मिसयूज नहीं कर रही है, उपयोग कर रहे हैं, और इंसान अपने शक्ति का, एनर्जी का मिसयूज कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। गांधारी को ही ले हम, गांधारी ने कोई मंत्र साधना नहीं की थी। दुर्योधन को जिस दिन आंख पर पट्टी वो बांध के रखी थी और जिस दिन खोला था, सबसे पहले दुर्योधन को देखा था, दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का बन गया। कैसे बना? सिर्फ उसने आंखों का संयम किया था, आंखों में इतना पावर आ गया कि दुर्योधन का शरीर वज्र का बन गया। तो इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने की हमारी ताकत तभी विकसित होगी जब इंद्रियों का संवर हो जाएगा। इंद्रियों का हम एक लिमिटेशन के साथ उपयोग करेंगे। इंद्रियां कर्म बंधन के हेतु भी है तो कर्म निर्जरण के भी हेतु बनते हैं। हमने आंख से देखा, केवल देखा। देखिए, ये देखना क्या है? संविज्ञान चेतना है, जानना। संविज्ञान चेतना, तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, आठ जो कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का सूक्ष्म है जानना। प्रियता अप्रियता की चेतना को जोड़ दिया तो मोहनी कर्म जुड़ गया। अच्छा या बुरा हम जो कह रहे हैं, इसका मतलब जहां जहां अच्छा बुरा का विकल्प आ रहा है, शुभ अशुभ का, प्रिय अप्रिय का विकल्प आ रहा है, तो ये प्रियता अप्रियता की चेतना को जोड़ना, इसका मतलब मोहनी कर्म जुड़ गया और पाप बंध का कारण है मोहनी कर्म। इस स्थिति में संविज्ञान चेतना, जो जानने की चेतना थी, वो हो गई गौण, और संवेदन की चेतना हो गई प्रधान। बंध किसका हो गया? मोहनी कर्म का बंध हो गया, जो पाप का कारण है। तो मैं बात बता रही थी, इंद्रिया बंधन का कारण भी है तो मोक्ष का कारण भी है। और वैसे देखिए, पांचों इंद्रिया बाहर की तरफ खुलती है। लोग बोलते हैं आंखें हैं तो देखेंगे, कहते हैं इंद्रियां बाहर खुलती है तो जहान दिखता है, और जब भीतर खुलती है तो भगवान दिखते हैं। स्वास्थ्य और आनंद उसी को प्राप्त होता है जो इंद्रियों का संयम करता है। इसे ही जैन दर्शन में इंद्रिय प्रतिसंलीनता कहते हैं। 12 निर्जरा के भेदों में छठा भेद है इंद्रिय प्रतिसंलीनता, प्रतिसंलीनता, तो उसमें इंद्रिय प्रतिसंलीनता। अब प्रश्न है, इंद्रियों का शुद्धि कैसे करें, शोधन कैसे करें, आसक्ति का परिहार करें, जो भी अटैचमेंट है उसका परिहार करें, क्या विकल्प लाए, चिंतन क्या करें? भाई, इंद्रियां है वो सिर्फ आने जाने का दरवाजा है, द्वार है। द्वार अटकने के लिए नहीं होता है। जहां जहां भी अटक गए वहां वहां प्रयास करें द्वार को बंद करना सीखें। श्वास दर्शन ये भी चित्त की एकाग्रता इसमें बढ़ती है, और एकाग्रता से हमारी जो वृत्तियां हैं वो शांत होगी, और इंद्रियां स्वतः ही, वृत्तियां जैसे जैसे शांत होगी, इंद्रियां ऑटोमेटिक अंतर्मुखी बनती चली जाएगी। विचारों का दर्शन, सिर्फ दृष्टा, जो भी विचार आ रहे हैं सिर्फ दृष्टा बन करके देखें, इससे भी इंद्रियां शुद्ध होगी। नासाग्र दर्शन, भगवान घंटों नासाग्र ध्यान करते थे, कई 16-16 प्रहर तक नासाग्र ध्यान करते थे। ये भी हमारे एक पावर हाउस है। तो विचार शून्य होने का अर्थ है सहज ही व्यक्ति इंद्रियों को शुद्ध कर सकता है, सहज कुंभक कर सकते हैं। एक बहुत पावरफुल एक प्रयोग है, सर्वेंद्रिय गोपन मुद्रा, कान से सुनना नहीं, आंख से देखना नहीं, नाक से श्वास नहीं लेना और मुंह से बोलना नहीं, नाम है इसका सर्वेंद्रिय गोपन मुद्रा। तो ये हुआ हमारा तीसरा वंडर्स, लाइफ का चौथा, फोर्थ वंडर्स है श्वासोच्छ्वास। जीवन की पहली अनिवार्य अपेक्षा, आवश्यकता है
श्वसन श्वास श्वास की गति अवरुद्ध होते ही कहते हैं जीवन समाप्त हो जाता है। अतः व्यक्ति को श्वास को समझना जरूरी है। तो श्वास का संबंध मन के साथ है, आयु के साथ है, शरीर के साथ है, स्वास्थ्य के साथ है, इन सब के साथ हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। तो इन सब के साथ स्वास्थ्य का संबंध जुड़ा हुआ है। और यहाँ तक देखिए व्यक्तित्व विकास का भी इससे सरल उपाय धरती पर दूसरा नहीं मिलेगा। व्यक्तित्व विकास करना चाहते हैं तो भी स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हमारा शरीर का तापमान धड़कन सारा इसी से नियंत्रित होते हैं, भोजन का पाचन भी और साथ में विसर्जन की क्रिया भी इसी श्वास पर निर्भर है। हमारे यानी पाचन और विसर्जन यानी हमारे जो फेफड़ा है, आमाशय है, ये उदर तंत्र की सफाई श्वास से ही होती है। शुद्ध रहे फेफड़ा, साफ रहे पेट, 100 बरस लगे नहीं काल की चपेट। तो श्वास पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दीर्घ श्वास से आध्यात्मिक लाभ भी होता है। हम सुषुम्ना की बात कर रहे थे, प्राण धारा की बात कर रहे थे। तो सुषुम्ना का पथ भी दीर्घ श्वास से खुल जाता है और पूरे शरीर में विद्युत की तरंगे प्रवाहित होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बिल्कुल प्रबल हो जाती है। प्राण धारा मस्तिष्क के केंद्र में पहुंचकर हमारे ज्ञान केंद्र को पुष्ट करती है। एक श्वास को किसी ने साध लिया, मीन्स उसने सब कुछ साध लिया। श्वास शांत और स्वाभाविक है, मान के चले उसका चित्त हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो श्वास दर्शन की प्रक्रिया भगवान कह रहे हैं वो है आत्मदर्शन की प्रक्रिया। तो भगवान क्या करते थे, एक पुद्गल पर दृष्टि को टिका करके 16 प्रहर जो ध्यान करते थे। एक पुद्गल पर दृष्टि का स्थिर होना मीन्स क्या है, श्वास पर संयम करना। एक आसन पर लंबे समय तक वे ही बैठ सकते हैं जिन्होंने श्वास पर नियंत्रण पा लिया। इसीलिए आचार्य कुंद ने कहा है आसन विजय, निद्रा विजय और आहार विजय, ये 3 भगवान महावीर के साधना के मूल हैं। आसन विजय से श्वास विजय सहज हो जाता है। तो श्वास हमारा शांत होते हैं, आंतरिक वृत्तियां ऑटोमेटिक शांत हो जाती है और कषाय भी शांत यानी कषाय नहीं के बराबर बिल्कुल मंद हो जाता है। और कषाय की कमी, कषाय की मंदता मीन्स श्वास की कमी निश्चित रूप से है। तो श्वास संवर यानी कषाय संवर, और जहाँ कषाय का संवर होगा वहाँ ऑटोमेटिक अध्यवसाय भी सहज शुद्ध हो जाएंगे। तो श्वास संवर का उपाय जो हम थोड़ी देर पहले भी किए, कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग काया के प्रयत्न कम होने से ही हमारा श्वास शांत हो जाएगा। यानी जितनी जितनी प्रवृत्ति कर रहे हैं उतनी उतनी हमारे श्वास अधिक हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो प्रवृत्ति, हम निवृत्ति की साधना को समझें, कायोत्सर्ग को समझें। एक प्रश्न पूछा गया रोग क्या है, तो हमारे शरीर में 7 धातु हैं, उनकी विषमता उनका वैषम्य ही रोग है। तो वापस प्रश्न हुआ आरोग क्या है, उन 7 धातुओं की साम्यावस्था ये आरोग्य है। धातु की विषमता का कारण क्या, प्रवृत्ति एक्टिविटी। व्यक्ति इतनी प्रवृत्ति कर रहा है तो जितनी प्रवृत्ति होगी उतना ही व्यक्ति के भीतर एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उसे निकालने के लिए सहज ही हमारे जो श्वास है उसको तेज होना पड़ता है। व्यक्ति हाफता क्यों है, इसीलिए हाफता है। हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ज्यादा, ऑक्सीजन हो गया कम। बॉडी का सिस्टम सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक उसको बाहर निकालता है और बाहर से
ऑक्सीजन लेने का प्रयास करता है तो किसी भी एंगल से देखें। श्वास को शांत करना, मंद करना, सूक्ष्म करना बहुत ही लाभदायक है। श्वास जितना छोटा उतना ही व्यक्ति के नेगेटिव थॉट आएंगे, उतना ही स्ट्रेस भी होगा। तो दीर्घ श्वास आवेश मुक्ति, कषाय मुक्ति, तनाव मुक्ति, ये सारा स्वतः हो जाएगा। तो श्वास व्यक्ति को जीवित रखता है तो दूसरे तरफ मौत का कारण भी बनता है, क्योंकि कहते हैं श्वास जितना छोटा लेंगे आयुष्य उतना ही जल्दी खत्म हो जाता है। आनापान पर नियंत्रण, तो अध्यवसाय पर भी नियंत्रण होगा। अध्यवसाय शुद्ध होंगे तो लिस्या प्रशस्त होगी, अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। आसनों द्वारा स्थूल शरीर पर नियंत्रण होता है, प्राणायाम के द्वारा सूक्ष्म शरीर पर नियंत्रण होता है। प्राणायाम के कई प्रयोग करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम, कपाल भांति प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, सूर्य भेदी, तितली प्राणायाम, ये सारे के सारे हमारे श्वास पर सूक्ष्म शरीर पर नियंत्रण करने वाले हैं। लाइफ का फिफ्थ वंडर भाषा। हाँ, पहला कि हम आहार, दूसरा शरीर, तीसरा इंद्रियां, चौथा श्वासोच्छ्वास और फिफ्थ वंडर से भाषा। उपनिषद में जनक ने ऋषि याज्ञवल्क से प्रश्न पूछा, जब सूर्य अस्त हो जाता है और चंद्रमा की चांदनी भी नहीं रहती है, दूसरे कोई प्रकाश का साधन भी नहीं है, उस समय मानव को प्रकाश देने वाली कौन सी वस्तु है? याज्ञवल्क ने कहा, उस समय वाक, वाणी, भाषा या वचन, यह ऐसा माध्यम है जिससे संपूर्ण मानवता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता अभिव्यक्त होती है। अतः व्यक्ति को इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और दुरुपयोग न हो इसलिए भगवान ने वचन गुप्ति की बात कही, भाषा समिति की बात कही। और सबसे बड़ी बात है, देखिए जो जितने भी विकसित प्राणी होते हैं, जितने भी जो पर्सनैलिटी का वेल डेवलप कर लिया है जिन्होंने, वो सारे के सारे, उनको बोलने की जरूरत नहीं होती, बोलने की अपेक्षा भी नहीं होती। अब अपन ने देवता है, देवताओं के पर्याप्तियां हैं पांच, भाषा और मन ये उनका एक ही होता है, इसलिए उनको बोलने की जरूरत नहीं, अपनी मन की बात वो यूं ही कह सकते हैं। चक्रवर्ती के लिए भी कहते हैं, चक्रवर्ती में भी पांच पर्याप्तियां होती है, यानी जो मन से अपनी बात को कह सकता है उसको बोलने की जरूरत नहीं होती। बहुत कौन बोलता है, ज्यादा अज्ञानी होंगे तो वहां व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है। एक बार बादशाह ने बीरबल से पूछा, मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने, बिल्कुल बड़ा बुद्धिमान था, चतुर था, उसने कहा जहां पनाह मौन हो जाना चाहिए। तो ज्ञान भी तभी बढ़ेगा जब भाषा का प्रयोग कम होगा। और भाषा देखिए चंचलता उत्पन्न करती है, बोलने से पहले चंचलता, बोलते समय चंचलता और बोलने के बाद चंचलता, और चंचलता अंतर ज्ञान में बाधा ही उत्पन्न करती है। तो नहीं बोलने से भगवान का कई लाभ होते हैं। निर्विचारता, बोलने के लिए व्यक्ति को सोचना पड़ता है। विवाद मुक्ति, बोलने से ही झगड़ा होता है, विवाद होते हैं। नहीं बोलने से एक व्यक्ति कितना बोलेगा, आखिर तो चुप हो जाएगा। अहम मुक्ति, नहीं बोलने से व्यक्ति को अहंकार से मुक्त हो सकता है। बोलने का मतलब है कि मुझे कितना ज्ञान है, मुझे कितनी सारी भाषाओं का ज्ञान है। तो भगवान ने कहा न चित्ताता ये भाषा, भाषाएं कभी व्यक्ति को त्राण नहीं देती, वह अहंकार का ही कारण बनती है। नहीं बोलने से सत्य की भी सुरक्षा हो जाती, बहुत ज्यादा जो बोलते हैं। मान के चलें
वो व्यक्ति सत्य नहीं बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं पता भी नहीं चलेगा। और कई बार ऐसा भी होता है खुद ही कुछ बोलते जाएंगे, खुद ही उस बात को काटते भी चले जाएंगे। तो भगवान ने कहा सत्य की भी सुरक्षा हो जाती है, वाक गुप्ति न भी हो कम से कम वाक समिति का जरूर प्रयोग करें। वाक समिति यानी वचन का सम्यक प्रयोग। शांतिपूर्ण सहवास के लिए सबसे बड़ी कोई कला है वह है वाक कला। पति भोजन कर रहा था, बड़ा विनम्र स्वभाव का था, भोजन करते करते आंखों में आ गए आंसू। पत्नी ने पूछा आप रो क्यों रहे हैं? पति ने कहा ये खुशी के आंसू हैं, आज भोजन इतना बढ़िया बनाया है, खुशी के आंसू हैं। पत्नी ने कहा थोड़ी सब्जी और ले लें इतना बढ़िया बनाया तो। नहीं, इससे ज्यादा खुशी बर्दाश्त करने की मुझ में शक्ति नहीं है। तो सब्जी में मिर्च इतनी ज्यादा है कि प्रसन्न होकर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं है। कहने का तरीका और टोन तथा ग्रहण करने का तरीका और ग्रहण करने का तरीका यदि दोनों स्वस्थ हो जाए तो मान के चले अशांति का कोई प्रश्न ही शेष नहीं रहेगा। तो कहने का तरीका और ग्रहण करने का तरीका ही अशांति पैदा करता है। जो शांति से रहना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है वाणी का प्रशिक्षण। दसवें कालिक सूत्र में सातवां अध्ययन पूरा वाणी का प्रशिक्षण भगवान ने बताया है। उत्तराध्ययन जिसके 36 अध्ययन है, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? वाणी के प्रशिक्षण से कर रहे हैं। पहले अध्ययन बोलना कैसे चाहिए, और देखिए खाना पीना सोना हर काम का कोई ना कोई एक निश्चित समय होता है। व्यक्ति दिन भर नहीं खाता, दिन भर नहीं सोता, और दिन भर जो भी सारी एक्टिविटी दिन भर नहीं करते, सबका एक निश्चित समय होता है, किंतु बोलने का कोई समय नहीं। आदमी दिन भर बोलता है, शरीर से काम करता है तो सोचता है अब थक गया आराम करूंगा, सोचते सोचते भी आदमी थक जाता है, लेकिन आश्चर्य बोलते बोलते थकता नहीं है। और सबसे ज्यादा व्यापार किसका होता है? वचन का ही होता है। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दें? इसी वचन पर ही ध्यान देना होगा। तो भगवान की वाणी में भाषा शुद्धि के कई सूत्र मिलते हैं। नियम भाषिज कम बोलें, ना पुठो वागरे किंची, बिना पूछे ना बोलें, बुद्धि पाशिता तो वक्क मुदाहरे। जो भी बोल रहे हैं पहले बुद्धि से परिणाम को देखें, रिजल्ट को देखें, बोलने तो जा रहा हूँ रिजल्ट क्या आएगा, उसके बाद भाषा का प्रयोग करें। विशुद्धि केंद्र पर ध्यान, सावज्जम वज्जय सावध्य भाषा का प्रयोग ना करें, निश्चयकारी भाषा का प्रयोग ना करें। तो भगवान ने बहुत सारी बातें कही है। विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करना चाहिए, स्वर को शिथिल करना चाहिए, इससे भी भाषा शुद्धि हो सकती है। क्षेत्रीय मुद्रा का प्रयोग, जीभ को उलट करके तालु से लगाना, और भाषा के 6 दोष माने गए हैं। उच्चै जल्प ऊंचे स्वर में बोलना ये भाषा का एक दोष है। अति जल्पः बहुत ज्यादा बोलना ये भी भाषा का दोष है। कटु जल्प कर्कश भाषा बोलना ये भी भाषा का दोष माना गया है। अनृत जल्प असत्य बोलना। मध्य जल्प बात करते हुए किसी के बीच में दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं जाकर के बीच में बोलना। और साक्षेप जल्प किसी पर आक्षेप करते हुए बोलना, छोटी छोटी बात में केवल आक्षेप की भाषा का प्रयोग जो होता है ये भी भाषा का एक दोष है। तो पांचवा ये वंडर्स भाषा। और लाइफ का 6 वंडर्स है मन। कहा जाता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष यो। मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो मन को चंचल माना गया है, और जब
यह चंचलता एक बिंदु को पार कर जाती है तो आदमी क्या बन जाता है? पागल बन जाता है। स्मृति, चिंतन, कल्पना, ये सब मन का काम है। पास्ट की स्मृति करता है, भविष्य की कल्पना करता है और वर्तमान का चिंतन करता है। और वैसे देखिए मन एक शक्तिशाली और उपयोगी चीज है। उसे यदि ट्रेंड करें, उपयोगी बनाए, पटु बनाए, मन को पोषण दें, हम सीखें उसको पोषण कैसे दिया जा सकता है। और 18 प्रकार के जो पापों में प्रवृत्ति है, यह मन का कुपोषण है। पोषण हम दे या न दे, कम से कम हम कुपोषण से अपने आप को बचाएं, तो 18 पाप मन का कुपोषण है। काम, क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या, ये सारे मानस के दोष माने गए हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार मन का कुपोषण कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, ये सारे कुपोषण है। और सुपोषण क्या है? सुपोषण तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्लेश्या। तो मन को सुपोषण देने वाले तत्व है विनम्रता, धृति, अभय, मृदुता, सरलता और सबसे एक अच्छा चीज है कृतज्ञता। कृतज्ञता मन का बहुत बड़ा सुपोषण है। किसी के प्रति भी छोटी सी चीज के लिए भी हमारे भीतर कितनी कृतज्ञता बोले, कितना ग्रेटिट्यूड बोले, भक्ति भाव, भगवान के प्रति भक्ति का भाव भी ये मन का सुपोषण है। तो प्रयास करें हम। और कृतज्ञता भी कब होगी? जब व्यक्ति का स्मृति मेमोरी स्ट्रांग होगा। मेमोरी स्ट्रांग होगा, पास्ट को आप भूलते जा रहे हैं, कृतज्ञता व्यक्त कैसे करेंगी? छोटी छोटे अवसर ढूंढिए कहाँ कहाँ हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। तो स्मृति का अच्छा होना ये भी बहुत जरूरी है। तो इंद्रियों का, इन सब चीजों के लिए, हम मन को सुपोषण देने के लिए इंद्रियों का नियंत्रण करना सीखें, विचारों को फिल्टर करना जाने, विचारों को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, अनावश्यक ना सोचे और मन को एक सही डायरेक्शन दे, दिशा दे, सोचे भी नया, सोचे नया करें। और अपनी कमियां हर इंसान में होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें कमी नहीं होती। अपनी कमियों को बौना बना दे। एक गिलास पानी में एक मुट्ठी नमक है, उस नमक को आप नहीं निकाल सकते, कम से कम उस पानी की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं और उसको पीने लायक बना सकते हैं। तो हम अपनी कमियों को बौना बना दें, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान दें। और उसके लिए, शुद्धि के उपाय के लिए, देखिए आकाश दर्शन, सिर्फ छत को, आकाश को देखना, त्राटक किसी एक बिंदु पर 1.5 फुट की दूरी पर बैठ गए, त्राटक किसी बिंदु सा बना लिया उसको देखना, मैत्री भावना का बार बार प्रयोग करना, नासाग्र दर्शन की भी हम बात किए थे, और जो भी विषम परिस्थिति में भी दृष्टा भाव, सिर्फ हम उस घटना को देखें। इंद्रियों का गोपन, जो सर्वेंद्रीय गोपन मुद्रा आपको बताए, तो ये सारी चीजों पर ध्यान दें। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अभ्यास, संस्कार। हम मन को संस्कार दें। और संस्कार ऐसा चीजें, देखिए मरने के बाद भी साथ में जाता है, बहुत सारे चीज व्यक्ति करता नहीं है, पास्ट के संस्कार उसको करा देते हैं। व्यक्ति जा रहा था, हाथ में उसके सिर पे बर्तन था, दूध का बर्तन, 5-7 विद्यार्थी बच्चे खड़े थे, एक ने कहा देखो इसके सिर पे जो बर्तन है, मैं इसको बिना टच के गिरा सकता हूँ। आश्चर्य हुआ, भाई ऐसी कौन सी मंत्र साधना कर ली? बोले कोई मंत्र साधना नहीं है, अभी देखो। जैसे वो पास में आया, उस बच्चे ने कहा जोश, अटेंशन, बस बोलने के साथ वो अटेंशन की मुद्रा में आ गया, सिर के ऊपर का जो बर्तन था वो गिर गया। क्यों गिरा, कैसे गिरा? वो सैनिक था, रिटायर हो गया था, उसके संस्कार इतने गहरे थे, अटेंशन शब्द के साथ अटेंशन की मुद्रा में आ गया। तो हम
मन को संस्कार दे, अभ्यास करें, मन को फालतू नहीं पालतू बनाए। तो फिफ्थ वंडर था हमारा सिक्स था मन, और लाइफ का सेवन वंडर है प्राण। जीवन का मूल तत्व है प्राण, प्राण हमारी शक्ति का स्रोत है। आयुर्वेद में प्राण का सूक्ष्म विवेचन आता है, प्राण के पांच प्रकार माने गए हैं, प्राण अपान उदान समान और व्यान। ये पांचों प्राण शरीर में काम करते हैं। प्राण के द्वारा सारा जीवन हमारा संचालित होता है। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, कौन कर रहा है, क्या शरीर कर रहा है, अंगुली हिल रही है, कौन हिला रहा है, कोई तो हिलाने वाला है, क्योंकि डेड बॉडी है, मुर्दा कोई मूवमेंट नहीं करता। देखिए उसके पास शरीर है, उसके पास सारी अंगुलियां भी है, सब चीज है, लेकिन मुर्दा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो ये मूवमेंट कराने वाला कौन है? ये है प्राण। जिसमें प्राण होता है वही प्राणी कहलाता है। तो जीवन का पूरा संचालन प्राण के हाथों में है, प्राण से ही जीव जीता है। श्वास लेना ये जीवन का लक्षण है, आहार करना ये भी एक लक्षण है। तो शरीर श्वास नहीं लेता, देखिए शरीर भोजन नहीं करता, वही बात डेड बॉडी, यदि शरीर भोजन करता तो डेड बॉडी भी भोजन करता, डेड बॉडी भी श्वास लेता। शरीर एक प्राण है, श्वास भी एक प्राण है, शरीर अलग है, शरीर प्राण अलग है, श्वास अलग है, श्वास प्राण अलग है। जब तक ये प्राण है तब तक शरीर चलता है। तो एक आदमी मर गया, श्वसन नलिका है, सब चीज है, लेकिन उन्हें जो शक्ति संचालित करती थी वो प्राण शक्ति चुक गई। अधिकांश बीमारियां आती किससे है? प्राण शक्ति की दुर्बलता के कारण आती है। हमारी जो ये वाइटल एनर्जी है, वाइटल फोर्स है, ये प्राण शक्ति कम हो जाती है तो रोगों के आगमन की संभावना बढ़ जाती है। जिसका प्राण पर अधिकार नहीं जीवन में, वो कभी भी बड़ा काम कर ही नहीं सकता। जैन साहित्य में 10 प्राणों की चर्चा आती है। हम जिस 5 प्राण की बात कर रहे हैं उनकी अवस्थिति भी, उनका अलग अलग हमारे शरीर से अवस्थिति है, उनका कार्य अलग अलग होता है। तो 5 प्राण, अब जैसे अपान प्राण, अपान प्राण रहता कहाँ? उदान प्राण या मस्तिष्क से लेकर के कंठ तक, ये सारे जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं इनको संचालित कौन कर रहा है? ये उदान प्राण। दूसरा है प्राण, तो प्राण कंठ से लेकर के हमारा हृदय तक, ये सारा जो एक वायु है जिसको प्राण वायु बोलते हैं, वो सारे संचालित कर रहा है हमारा प्राण वायु। और हृदय से लेकर के नाभि तक संचालन करने वाला है समान वायु। नाभि से लेकर के पैर तक, अंगूठे तक करता है अपान वायु। और व्यान वायु जो पूरे शरीर को संचालित करता है। तो ये 5 वायु की स्वस्थता, शरीर स्वस्थ, वही व्यक्ति बड़ा काम कर सकता है जिनका इन पर नियंत्रण है। तो इन 5 प्राणों के लिए 5 प्रकार की मुद्राओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो प्राण वायु के लिए प्राण मुद्रा, प्राण वायु के लिए प्राण मुद्रा, अपान वायु के लिए अपान मुद्रा, समान वायु के लिए समान मुद्रा, 5 उंगलियों के अग्रभाग को मिलाना, और उदान वायु के लिए उदान मुद्रा, नाखून के इंडेक्स के ऊपर के नाखून के ऊपर मिडिल फिंगर को रखना, और व्यान जो पूरे शरीर को संचालित करने वाला वायु है उसके लिए व्यान मुद्रा, मिडिल फिंगर के नाखून के ऊपर इंडेक्स फिंगर को रखना, इसका नाम है व्यान मुद्रा। तो ये 5 प्राण को साधना बहुत जरूरी है। तो आज हम 7 वंडर्स की चर्चा किए हैं। तो आप सबके भीतर ये 7 अनमोल वंडर्स हैं।
इन्हें पहचानना है, इन्हें दूषित ना करके सतत शुद्धि करने का प्रयास करना है, तो प्रतिस्पर्धा और तनाव के युग में भी आनंद और सुख में जीवन वही जी सकता है जो इन सात को जान लेता है, समझ लेता है और उपयोगी बना लेता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहं। सुनिए मंगल पाठ। चत्ताड़ी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्ताड़ी लोगुतमा, अरहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुतमो, चत्ताड़ी शरणं पावज्जामि, अरहंते शरणं पावज्जामि, सिद्धे शरणं पावज्जामि, साहू शरणं पावज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पावज्जामि। विघ्नान् मंगलकरं, सां भिक्षुणो नाम गुण उलट स्मरण, इत्यां सर्व चिंत्यां सां करोमि।